السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. मैं हूँ रशीद अहमद. आप देख रहे हैं हेल्थ टच रशीद अहमद यूट्यूब चैनल. आपको मेरी चैनल पे हेल्थी और टेस्टी और नई नई रेसिपी रोज देखने को मिलेगी. आप अगर अच्छी अच्छी रेसिपी देखना चाहते हैं तो मुझसे जुड़े, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल को हिट कर लें और आल का ऑप्शन जरूर चुन लें. चलिए देखते हैं आज की रेसिपी. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. यह बकरे का पाया है, दो बकरे का आठ पाया है. इसको मैं एक आधे घंटे से पानी में भिगा दिया हूँ. अब इसको अच्छा से रगड़ कर साफ करूँगा, दो तीन पानी से साफ करके फिर मिलता हूँ. यह मैं तीन पानी से साफ धो लिया हूँ. अब ये इधर रखा हुआ है. अब गैस की तरफ चलते हैं. ये गैस के ऊपर हमने कुकर चढ़ा दिया है. अब इसके अंदर ये थोड़ा सा एक टेबल चम्मच सरसों का तेल डाले हैं. बस थोड़ा सा, मामूली सा. तेल गर्म हो गया है. अब इसमें एक तेज पत्ता, दो दालचीनी छोटी सी, आठ दस काली मिर्च, तीन लौंग, दो छोटी इलायची डाल के इसको रोस्ट करेंगे. गैस हमारा तेज कर दिया हूँ. ये गर्म हो गया. अब इसके अंदर मैं ये बकरे का पाया डालूंगा. दो बकरे का पाया है ये. इसको जरा रोस्ट कर लेंगे. बस एक 25-30 सेकंड बाद शुरू कर देंगे. अब इसके अंदर एक 5 से 6 लौंग का चौजवा डाल देंगे, 1 इंच का अदरक का टुकड़ा, ये 2 छोटे साइज का प्याज 4 टुकड़ा करके डालेंगे और 1 प्याज छोटे छोटे पीस करके ये भी डाल देंगे इसके अंदर. इस सब को जरा भून लेंगे आज तेज करके. ये 1 मिनट भूनेंगे. ऐसा भूनने से जरा इसका सूप जो बनता है, जूस निकलता है, उसमें जायका में इजाफा हो जाता है. इसलिए इसको भून के फिर निकालें. अब ये आधा चम्मच है हम नमक डाल देंगे, 5 चम्मच हल्दी डाल देंगे. इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे. गैस का आंच तेजी है, मैं स्लो नहीं किया है. अभी सब पानी डाल रहे हैं. इसमें मैंने 4 गिलास मतलब 1 लीटर पानी डाला है. ये पूरा डूब गया है. अब इसको मैं लीड लगा के ये ढक्कन से बंद कर दूंगा. और 1 सीटी आने के बाद आधा से पौना घंटे के लिए स्लो आंच में छोड़ दूंगा. ये हमारा सीटी आ गया है. गैस को स्लो कर देते हैं. सीटी आ गया है, गैस स्लो कर दिया हो. अब आधा घंटे के बाद चेक कर देंगे इसको. आधा घंटा हो गया है. मैं इसको गैस हाफ कर देता हूँ और 10 मिनट छोड़ के बाद में हवा जब अंदर का गैस रिलीज हो जाएगा फिर खोलेंगे. यह मैं हवा निकल गया है. अब इसको निकाल ले रहा हूँ. जो खोल के चेक करते हैं तो माशाल्लाह अच्छा हो गया है. ये गल गया है अच्छे से. ये हमारा मटन पाया सूप रेडी है. आपको रेसिपी कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करके शेयर कर लीजिए सबके साथ में और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए.
अल्लाह ताला हमें और आपको खुश रखे, हमारी हिफाजत फरमाए। इंशाल्लाह फिर दूसरी रेसिपी के साथ मिलेंगे दूसरे वीडियो में।